Your Majesty, Excellencies, नमस्कार। इस साल भी हम अपनी पारंपरिक फैमिली फोटो तो नहीं ले पाए, किंतु वर्चुअल रूप में ही सही हमने आसियान इंडिया समिट की परंपरा को बरकरार रखा है। मैं हिज मैजिस्ट्री ब्रुनेई के सुल्तान का 2021 में आसियान की सफल अध्यक्षता के लिए अभिनंदन करता हूं। योर मैजिस्ट्री एक्सलेंसीज, कोविड-19 महामारी के कारण हम सभी को अनेक चुनौतियों से जूझना पड़ा, लेकिन यह चुनौतीपूर्ण समय भारत आसियान मित्रता की कसौटी भी रहा। कोविड के काल में हमारा आपसी सहयोग, आपसी संवेदना भविष्य में हमारे संबंधों का बल देते रहेंगे। हमारे लोगों के बीच सद्भावना का आधार रहेंगे। इतिहास गवाह है कि भारत और आसियान के बीच हजारों साल से जीवंत संबंध रहे हैं। इनकी झलक हमारे साझा मूल्य, परंपराएं, भाषाएं, ग्रंथ, वास्तुकला, संस्कृति, खानपान हर जगह पे दिखते हैं, और इसलिए आसियान की यूनिटी और सेंट्रलिटी भारत के लिए सदैव एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता रही है। आसियान की यह विशेष भूमिका भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो हमारी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन यानी सागर नीति में निहित है। भारत के इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और आसियान के आउटलुक फॉर द इंडो पैसिफिक, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हमारे साझा विजन और आपसी सहयोग का ढांचा है। योर मैजिस्ट्री एक्सलेंसी, वर्ष 2022 में हमारी पार्टनरशिप के 30 वर्ष पूरे होंगे। भारत भी अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे करेगा। मुझे बहुत हर्ष है कि इस महत्वपूर्ण पड़ाव को हम आसियान भारत मित्रता वर्ष के रूप में मनाएंगे। भारत आगामी अध्यक्ष कंबोडिया और हमारे कंट्री को कोऑर्डिनेटर सिंगापुर के साथ मिलकर आपसी संबंधों को और गहन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। अब मैं आप सभी के विचार सुनने के लिए आतुर हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।